हेलो एवरीवन, कैसी है आप सबकी तबीयत। भाई? मेरी फैमिली में से कोई देख रहा है तो प्लीज मुझे गंदा नहीं समझना, ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है, बुरा नहीं समझना, बिगड़ा हुआ नहीं हूँ मैं तो पहले ही सॉरी, और आगे चल के पता चल ही जाएगा कि ये वीडियो बनाना जरूरी क्यों है। मैं यूट्यूब बहुत यूज करता हूँ और जितना मैंने यूट्यूब यूज कर लिया, मेरे सामने हर तरीके की रंग बिरंगी वीडियो आ चुकी है। ऑब्वियसली जब कोई वीडियो अच्छा परफॉर्म करने लग जाती है तो यूट्यूब उसको प्रमोट करते कि साले तूने ये वीडियो देखनी है, तू देखेगा, फिर भले वो देवर भाभी वाली ही क्यों ना हो जो मोनेटाइज भी होती है, लेकिन हमारी वीडियोज में यूट्यूब को मसले लग जाते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली मेरे YouTube फीड पर एक वीडियो आई जिसका टाइटल था टिप्स टू लास्ट लॉन्गर इन बेड। असर है, देख तू असर है। अर्ली डिस्चार्ज वाले नुस्खे। तो सबसे पहले तो मैंने ये सोचा कि ये मुझे रेकमेंड क्यों हुई, फिर मैंने सोचा कि ऐसे टॉपिक्स पे तो लातादाद वीडियोस हैं, ये वाली मेरे सामने क्यों आई, इसमें ऐसे क्या खास है जो मैं इसको देखूं। फिर मैंने देखा थंबनेल, थंबनेल पे देखी प्रीटी वुमन, व्यूज देखे 6 लाख, गेम समझ आ गया। चैनल पे 1.5 मिलियन व्यूज हैं, लेकिन किसी मेल डॉक्टर की वीडियो पे 500 व्यूज मिलना भी मुश्किल हो जाता है। हमें नहीं देखना किसी अधेड़ उम्र आदमी को, और यंग को भी औरत ले आओ, 4 मिलियन व्यूज भी दे देंगे। खैर पहले देखते हैं डॉक्टर के टिप्स, उन्होंने कैसे एजुकेट किया, और उसके बाद देखेंगे लोगों के कमेंट्स। मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब और मैं माहिरे नफ्सियात होने के साथ साथ सेक्स थेरेपिस्ट भी हूँ, यानी कि मैं सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को मेल फीमेल दोनों को डील करती हूँ। सो आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं बहुत सारे आदमियों के कॉमन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम जो है वो है टाइमिंग का इशू। सही बात है, टाइमिंग का बहुत इशू है मर्दों में, मुझ में भी है। मैं हर जगह लेट जाता हूँ, इसके बारे में मुझे कुछ करना पड़ेगा। आई थिंक अलार्म से सब ठीक हो जाएगा, है ना? यानी हाउ दे कैन प्रोलॉन्ग देयर टाइम इन द बेड, इस तरह से होगा। ये यू कैन सी माई फेशियल एक्सप्रेशन, प्लीज हंसे मत डॉक्टर, इनसिक्योरिटी होती है। कि मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि हर क्लाइंट जो आता है या इवन उसका फीमेल पार्टनर। ये तो गलत है, मर्द की बार आप हंस रही थी, औरत की बार आप सीरियस हो गए। दिस इज डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज सेक्सिज्म, दिस इज ऑर्गेनिज्म। आदमी जो कि एक मुनासिब टाइम भी जिनका होता है, जिनकी टाइमिंग थोड़ी सी बेहतर भी होती है, लाइक 10-12 मिनट्स भी होते हैं, उनको भी ये लगता है कि ये काम है। और इससे लेट होने की बात हो रही है ना, 10-12 मिनट लेट आने की है ना। हमारे यहाँ पे लोगों को ये लगता है कि वो मर्द जो के बच्चा नहीं पैदा कर सकता वो मर्द नहीं है। हाँ सही कहा, और औरत भी जो बच्चे नहीं कर सकती वो सबसे पहले तो जो आपके टाइम कम होने की वजूहात हो सकती हैं वो ये हैं कि जी आप मे बी बहुत लंबे टाइम के लिए आप स्ट्रेस में से गुजर रहे हैं। स्ट्रेस तो वाकई बहुत है जिंदगी में, और सबसे ज्यादा स्ट्रेस इस बात का कि स्ट्रेस है किस वजह से भाई। हेलो, घर वालों से गालियाँ खाना, ड्रग्स लेना, गर्ल से ब्लॉक होना, पीटी टीचर का एस पे टच करना, ये तो नॉर्मली सबके साथ होता है ना। देन दूसरी एक मेजर वजह जो हो सकती है वो ये कि वो लोग जो के महीनों में सालों में कोई एक आध बार जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी में जाते हैं, उन लोगों का जो है टाइम जो है वो कम हो सकता है, क्योंकि वो सेक्सुअली उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है जो उनको हेल्प कर पाए टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए। स्किप, मैं क्यों ये वीडियो देख रहा हूँ, मेरे पास कौन सा कोई है। खुदा मुझे माफ कर, इन पापी लोगों के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। तेरे को बड़े मजे आ रहे हैं, पढ़ाई कर और मेरे को रिपोर्ट कार्ड की फोटो भेज। अब देखते हैं जरा कमेंट्स, मुझे जानने के लोगों को क्या हेल्प मिली, उनके क्या रिव्यूज हैं इस वीडियो के बारे में, इन टिप्स के बारे में। नॉनसेंस, दज्जाली फितना। लो जी आ गया कमेंट सेक्शन का फरिश्ता, जब तक इसको सेक्स नहीं मिलेगा तब तक इसने यही स्पैम करना है। हेलो अंकल, जरा इसकी शादी कराएं जल्दी प्लीज। मैम अगर ड्यूरिंग सेक्स पबजी खेले इंस्टेड ऑफ सेक्सुअली, आई थिंक टाइम डेज में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं मैं अभी साथ साथ इमेजिन कर रहा हूँ ये कैसा लगेगा साथ साथ पबजी खेलते हुए, वो भी 2-3 दिन तक। बहुत वियर्ड भाई, बहुत वियर्ड। बिल्कुल राइट, जब मैं गर्दे की सिगरेट पी के करता हूँ तो माइंड फ्रेश हो जाता है और काफी ज्यादा टाइम लगता है। यस गाइस, आपको किसी ने बताया नहीं, गर्दा इज द सॉल्यूशन, डॉक्टर जाए बाड़ में, गर्दा लो सुट्टे बारो छल्ले उड़ाओ। मैं हैंड प्रैक्टिस 8 साल से कर रहा हूँ, इसी वजह से मेरी टाइमिंग बिल्कुल खत्म हो गई है। ये हैंड प्रैक्टिस क्या होता है, नाम में फाइटर है शायद, डंबल उठाने की बात कर रहे, बहुत स्ट्रांग हो गया होगा ना, क्या बात है, जबरदस्त यार। मेरी टाइमिंग बहुत ज्यादा है, मेरी बीवी भी भाग गई, इसको कम कैसे करें। अब ये जो नेक्स्ट कमेंट्स है ये मेरे फेवरेट रिव्यूज हैं डॉक्टर के टिप्स के, देखते हैं। मेरा 1 घंटा कुदरती टाइम है, आपने देनी है।
मुझे टेक्स्ट कर देना, आपको जन्नत दिखा दूंगा। टॉपिक सेक्स से रिलेटेड हो और हमारे आधे मर्द हजरात अपनी ठरक ना झाड़े, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। फर्क नहीं पड़ता कि वो मैरिड हो या अनमैरिड, वो भले बच्चों की माँ भी हो, लेकिन वो किसी टैबू टॉपिक पे बात करेगी, आपको एजुकेट करेगी, तो ऑब्वियस ही बात है वो आपके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होना चाहती है। हाँ, गंदी औरत, बेहया, बेशरम, तुम्हारे जैसे आंटी पास हो तो टाइमिंग वैसे ही कम हो जाती है। मैडम, मैं 16 साल का छुआरा हूँ, मेरा घोड़े वाला है, आप मैं घोड़े जैसा घुसा दूं? जी दोस्तों, क्लास 9 के रिप्रोडक्शन चैप्टर में प्लांट्स को देख के ठरकी हो जाने वाले डेली लाइफ के कुछ ये विचार हैं। सॉरी गाइस, पार्डन मी, लेकिन यहाँ सिर्फ आदमी नहीं, यहाँ बच्चे भी पोटेंशियल हैरेसर्स हैं। व्हाट आर योर टाइमिंग्स एंड ड्यूरेशन व्हेनेवर यू पर्सनली परफॉर्म सेक्सुअल एक्ट्स? सिंस यू अपीयर वेरी सेक्सुअल, एनी प्रैक्टिकल गाइडेंस एंड डेमोंस्ट्रेशन? अब जावेद भाई को कौन बताए, हर किसी की टाइमिंग उनकी तरह 10 सेकंड नहीं होती। और इन सारे सवालों के जवाब एंड डेमोंस्ट्रेशन आई थिंक डॉक्टर ताहिरा के हस्बैंड ज्यादा बेहतर दे पाएंगे। बेशर्मी की हद है, अब इस तरह के मसले औरतें बताएंगे। वाह, गुड जॉब। वही तो, कितनी बेशरम है ये औरत। भले वो ऑफिशियली एक सेक्स थेरेपिस्ट है और उसका काम है ऐसे एजुकेट करना, लेकिन है तो औरत ही ना, ये थोड़ी बोल सकती है हमारे मसले पे, ईगो हर्ट होता है हमारा। वैसे मैडम जी ने फेमस होने के लिए बेस्ट टॉपिक चूज किया। हाँ, वेरी गुड, है ना। एक मेडिकल चैनल पर जाकर एक मेडिकल इशू पे पूरे 9 मिनट की वीडियो देख के मजे लूंगा, लेकिन फिर ये भी तो बोलूंगा ना कि वो फेमस होने के लिए कर रही है। डॉक्टर है भले, लेकिन फेमस होने के लिए कर रही है। तो बच्चों, इससे हमें क्या सबक मिलता है? कि इंटरनेट अच्छे काम के लिए भी यूज करना चाहिए, वरना इन जैसे बन जाएंगे, फिजिकली फिट बट मेंटली सिक। मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी डॉक्टर जी, जिसमें काइंड ऑफ सिमिलर टॉपिक ही था। उसमें आयुष्मान एक गायनेकोलॉजिस्ट होता है, वो फीमेल्स के बीच पड़ता है, अकेला मेल होता है अंदर, लेकिन जब वो प्रैक्टिस पे आते हैं, डॉक्टर बनते हैं, जब वो चेकअप करते हैं तो पेशेंट्स को और उनके हस्बैंड को मसला होता है। वो ऑब्जेक्शन करते हैं कि भाई, एक मेल डॉक्टर कैसे डिलीवरी कर सकता है, ये कैसे चेक कर सकता है? तो मॉरल यही है, अ डॉक्टर इज अ डॉक्टर, भले वो मेल हो या फीमेल। ठीक है भाई, थैंक यू, पीस। चिकन लेग पीस, 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 मसाला राइस।